जहां पर लोगों का जवाब प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंच रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों ओर से आप देखेंगे, मैं समय डोगरा चौक में मौजूद हूं, चारों ओर से उस तरफ से भी आप देखेंगे लोग आ रहे हैं, वहां से भी महिला शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री को सुनने पहुंच रही है। और इन बीच जब आपको एक बार बता दें कि विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल में किए गए काम या आने वाले सालों में किस तरह से काम किए जाएंगे, उन तमाम बातें पहुंचाएंगे, अपनी बात अपनी आवाज जो है वो लोगों के बीच रखेंगे, तो ये तमाम चीजें आप लोगों ने देखी है जहां पर जो है वो प्रधानमंत्री को सुनने लोग पहुंचे हैं, ये भी तस्वीरें देख पा रहे हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी के इंतजाम की बात की जाए तो वो भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तस्वीरें सीधी आपको जो है वो डोगरा चौक से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सुनने के लिए। देखे इससे पहले यहाँ पर आप देखे पूरी तरह से बैरिकेटिंग की गई है। इसके आगे की ओर अगर मैं आपको लेकर चलूँ, यहाँ से मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग जो है वो एंट्री पॉइंट रखे गए हैं, एग्जिट पॉइंट अलग रखे जाएंगे। एंट्री पॉइंट्स पर देखे प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने की इजाजत आप लोगों को नहीं है। इसके अलावा ये बाकी तमाम चीजें जो है वो भी सिक्योरिटी के लिहाज से आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों की भीड़ इस कदर है, सुबह से ही लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं, और अभी भी अगर आप पीछे देखेंगे एक बड़ी रैली के तौर पर लोग बाहर से भी आ रहे हैं। देखें दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बाकी जगहों की आरएसपुर की बात की जाए, लोग दूर दूर से यहाँ पर जो है वो सुनने पहुंच रहे हैं। तो ये भी तस्वीरें जो है वो लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें स्टार्ट करा ना मेरा यार, देख ना वहां से लोग आ रहे हैं, वो सामने आप देख पा रहे हैं। देखिए लोगों की भीड़ वहां से आ रही है, बसेस यहां पर पहुंची है, हालांकि उनके स्पॉट के लिए अलग जगह जो है वो रखी गई है, बट बसेस यहां पर पहुंच रही है, बसें यहां पर पहुंच रहे हैं जिसमें लोग यहां पर शामिल होकर प्रधानमंत्री को सुनने आ रहे हैं। भाजपा पार्टी के झंडे जो है वो लोगों ने हाथों में लिए हैं फिलहाल, और आगे रैली की तरफ बढ़ते जो है वो नजर आ रहे हैं। उत्सुकता है बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री को सुनने की, और ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। ये देखें सीधी तस्वीरें, इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम आरसपुरा से। तो प्रधानमंत्री को सुनने जा रहे हैं जी। आप मुझे बताएं कितनी एक्साइटमेंट है प्रधानमंत्री को सुनने की? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, यकीन मानिए हम कितने पूरी रात सोए नहीं आज मोदी जी। पूरी रात सोए नहीं है मोदी जी? नहीं, मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ। जैसे कि दो कोई चीजें बताएं जो बहुत अच्छी लगी हो तो प्रधानमंत्री ने आपको? नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, हर चीज अच्छी लगी उसकी, बहुत कुछ दे रहा है गरीबों को। चलो देखें प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों का कहना है कि रात भर सोए नहीं है क्योंकि पता है सुबह प्रधानमंत्री से मिलने जाना है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहाँ से आए हैं? बाउकोट से आए। कितनी एक्साइटमेंट है प्रधानमंत्री? बहुत ज्यादा। इससे पहले कभी करीब से देखा है उन्हें? नहीं, पहली बार देखा। पहली बार आपने पहले भी देखा? जी जी। आप मुझे बताएं कितनी एक्साइटमेंट है उन्हें सुनने? काफी काफी, बहुत ज्यादा। जब जब मोदी जी जम्मू में आते हैं ऐसे लगता है कि जम्मू के अंदर कोई त्यौहार है, जैसे दशहरा या ईद या दिवाली मनाई जाती है। इस तरह से पूरा जम्मू खुश हो जाता है, सारे अपने काम काज छोड़ के स्पेशल जम्मू मोदी जी को देखने आते हैं। अपोजिशन तो कहती है ट्रैफिक लग जाता है, प्रॉब्लम होती है अपोजिशन को, उनको पता है कि हम अभी बैकफुट में है, हमें पब्लिक बिल्कुल देख भी नहीं रही, उनकी तरफ कोई सोच भी नहीं रहा है। ठीक है, लोगों के एक होते ना कि माइंड कांग्रेस, लोग ये भी नहीं सोचते कौन क्या है कांग्रेस। ठीक है, उनसे ज्यादा एक आवारा आदमी की रिस्पेक्ट होगी, वैल्यू होगी, कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं है। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रवि है जी। रवि कहाँ से आए हैं? मैं सांबा से आया हूँ सलाथिया साहब की सपोर्ट करने के लिए। कितनी एक्साइटमेंट है आपको प्रधानमंत्री से मिलने की, उन्हें सामने से सुनने की? मैं 100% उनसे मिलने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो काम किया है उस काम से मैं खुश हूं, और भी मेरे को ऐसे काम चाहिए। ऐसे काम चाहिए? मुझे कोई दो काम ऐसे बताएं जो आपको बहुत अच्छे लगे हो प्रधानमंत्री? सबसे पहले जो रोड जो बना है, सबसे पहले जो 3 घंटे में हम जम्मू नहीं पहुंच सकते थे, अभी 15 मिनट में पहुंचेंगे, आज नहीं तो 1 साल में पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। 15 मिनट का रास्ता है ये। लोगों में जोश है प्रधानमंत्री से मिलने का। मोदी जी की कमाई है ये, देखिए आप देखो चारों तरफ, ये देखिए पीछे देखो, ये मोदी जी की कमाई है मैडम। लोगों को कमाया उन्होंने, बिल्कुल लोगों के दिल में जगह बनाई है, ऐसी जगह की आप कुछ ले नहीं सकता उनसे, जगह कम से कम 10 साल हो। चले देखिए
लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी जगह यहाँ के लोगों में बनाई है, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में बनाई है कि आने वाले 10 साल तक भी उनकी जगह कोई ले नहीं सकता है। हालांकि चुनावों के परिणाम बताएंगे, पर ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। ये जो बैनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं आप देखें, फिलहाल जो लगातार युधवीर सेठी के जो है सपोर्ट में प्रधानमंत्री यहाँ पर आज जो है वो भाषण देंगे, एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। देखिए एक बड़ी रैली के तौर पर आप देखें, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग अभी यहाँ पर आपको आते हुए भी नजर आएंगे। ये हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जितने व्यूअर्स हमारे इस समय में सुन रहे हैं, आप लोग क्या कहते हैं, किस तरह से देखते हैं आप प्रधानमंत्री के विजिट को, किस तरह से देखते हैं, वो तमाम चीजें आप सामने जरूर रखिएगा। डेली वेजर्स पर भी अगर बात करें तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री तोहफा उनको भी देते नजर आ रहे हैं। देखिए लोग दूर दूर से आरएसपुरा सांबा से हर जगह से यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए बड़ा जनसैलाब इस समय जो है वो एमएस स्टेडियम की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बड़ा जनसैलाब है जो इस समय प्रधानमंत्री से मिलने यहाँ पर पहुंच रहा है। ये तस्वीरें आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, लोगों को जो एक्साइटमेंट है। कहाँ से आए हैं आप? आज मोदी जी की भव्य रैली है। इस रैली के बाद जो जम्मू कश्मीर की थर्ड फेज की इलेक्शन है उसमें 24 सीटें हमारी हैं। आज आप देखेंगे कि लोग किस तरह किस जोश के साथ मोदी जी के स्वागत के लिए जम्मू में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आज पूरा जम्मू भारतीय जनता पार्टी में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार जम्मू कश्मीर सरकार बनी है, जो भारतीय जनता पार्टी संकल्प बनी है, इधर उसका मोदी संबोधन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो भारतीय जनता पार्टी ने 50 का नारा दिया है उससे ज्यादा हम सीटें जीत करेंगे। हम बनी बिसोली से शुरू हो जाए, हम कोई सीट लूज नहीं कर रहे हैं, सभी सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। कश्मीर में भी जीतेंगे, जम्मू में जीतेंगे, हम लूज कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की 8 तारीख को यहाँ सरकार बनेगी और पहली तरफ जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनेगा। धन्यवाद। जहाँ पर इतनी भीड़ है लोगों की कि आपको यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि लोगों की कितनी भीड़ यहाँ पर है, जिस कदर लोग यहाँ पर सुनने बुजुर्ग आए हैं। कहाँ से आए आप? हम आरसपुरा से आए हैं। आरसपुरा से आए हैं, प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं? हाँ जी, यहाँ प्रधानमंत्री की आज जो रैली है उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। मुझे बताएं कितना अच्छा लगता है प्रधानमंत्री? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री एक जो है भगवान के हमारे रूप हैं और हम जो है जो कोई अवतार आए हैं हमारे लिए। पहले आपने कभी प्रधानमंत्री को देखा है? नहीं, ऐसे पास में हम नहीं देखा है, पहली बार देखने जा रहे हैं। वैसे टीवी में हम देखते ही रहते हैं उनको। प्रधानमंत्री को सुनना अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। एक देश के जो हैं, जो एक बोतले हमारे लिए एक ऐसे आए हैं जिन्होंने बता दिया है कि कैसे देश चलता है, कैसे हम चलाते हैं। देखिए ये तस्वीरें आपने फिलहाल देखी हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने दूर दराज से लोग पहुंचे हैं। हालांकि आप जितने भी व्यूअर्स इस समय हमें स्क्रीन पर सुन पा रहे हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से इस खबर को देख रहे हैं और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कितने उत्सुकता आप लोगों के अंदर है, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे। कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।